नमस्कार। आज हम हल संधि पढ़ेंगे। तो हल संधि में हमारा पहला टॉपिक है सचुत्व संधि। सचुत्व संधि इसमें स व त वर्ग के बाद यदि श और च वर्ग हो, यह इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किस साइड में भी हो सकता है। तो ऐसी यदि कंडीशन कहीं आए तो वो सचुत्व संधि होती है। तो होगा क्या, स त थ द ध न, इनके बाद या इनसे पहले श हो, यानी श और त वर्ग के बाद या पहले स या च वर्ग हो तो श को श संख्या वाले में चेंज हो जाएगा, त च में चेंज होगा, थ छ में चेंज होगा, द ज में चेंज होगा, ढ झ में चेंज होगा, न अय में चेंज हो जाएगा। और ये जो चेंजिंग इधर भी होगी, इधर भी होगी, और इन दोनों में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन केवल स और त वर्ग में ही होगा, इसी में चेंज होगा। ये चेंज नहीं होने वाला, कैसे होगा तो ध्यान दीजिएगा। लिखा है रामस धन सेते, श के बाद श, स के बाद श, सचुत्व संधि। तो स किसमें चेंज होगा, इस में चेंज हो जाएगा। तो बना क्या, रामश शेते, ये से आता है वो भी आता रहेगा। इसी प्रकार रामश पलश्च, श के बाद च बना आ गया तो शेष तालवेश में चेंज होगा रामश। ऐसे ही सत प्लस चित, तय के बाद चय, तय के बाद तय वर्ग के बाद चय वर्ग, तय चय में चेंज होगा, तय किस में चेंज होगा, चय में। तो बना सचित। इसी प्रकार उद प्लस ज्वल, तैवर्ग, तैवर्ग के बाद जयवर्ग, तैवर्ग, तैवर्ग के बाद जयवर्ग, तो सचुत्व संधि। तो चेंज किस में होगा, तैवर्ग में, तो देखा क्या बनेगा, जय बनेगा तो होगा उज्ज्वल। यह जो परिवर्तन हो रहे थे वो इधर हो रहे थे, अब ये कितने से भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। जैसे याच प्लस ना, अब आप देखिएगा इधर चय वर्ग है, इधर तय वर्ग, अब इधर चय वर्ग है, इधर तय वर्ग, तो चेंज तो तय वर्ग में ही होगा, संधि तो सचुत्व संधि है। तो यहां बन जाएगा या चय वर्ग तो बदल देगा नहीं, चय वर्ग तो चय रहेगा, ये बन जाएगा या। ये रही सचुत्व संधि। अब इसका एक अपवाद भी है, अपवाद वो ये है,
कि इस शय के बाद यदि तैवर ग्रहे तो नो चेंज, तो कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे प्रश प्लस न तो बना प्रश्न, इसमें चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं, अपवाद है। इसी प्रकार विष प्लस नह तो बना विषम, नो चेंज के साथ, क्योंकि ये अपवाद है कि शय के बाद यदि तय वर्ग आता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो ये अपनी शत्रुतव संधि है, ये इसका नियम है, ये इसका अपवाद है। नियम को पढ़ने इन चार उदाहरणों द्वारा और अदर साइड का जो एक उदाहरण अपने वो पढ़ा, पांच उदाहरणों द्वारा इसको समझा अपने। हर संधि में पहला शत्रुतव संधि, अब इसके बाद दूसरी है, दूसरी है शत्रुत्व संधि के अंदर बात हुई स और तय वर्ग के बाद श तय वर्ग, स और तय वर्ग ये भी किधर ही हो दोनों तरफ चेंज होगा, मतलब इनका स्थान किधर ही हो संधि स्तुतव संधि ही रहेगी। तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा स त थ द ध न, यानी यह संबंध होगा तो स्तुतव संधि होगी, जब ये होगा तो चेंज किसमें होगा श कोण में, त टेम थ ढम द ढम ध ढ में और न ण, ये परिवर्तन, ये भी ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हो सकता है, और यहां भी जो परिवर्तन रहेगा वह केवल स और तय वर्ग में ही परिवर्तन रहेगा। इसको अपन उदाहरण द्वारा समझते हैं। लिखा है रामस प्लस षष्ठ, तो देखिएगा स वर्ग के बाद कौन आ गया, स वर्ग के बाद स या तय वर्ग आए तो श षष्ठकोण, यानी जो दंत्य श है वो मूर्धन्य श में चेंज हो जाएगा, तो बनेगा अपने पास रामस षष्ठ। इसी प्रकार रामस प्लस टीकते तो श के बाद तय वर्ग है तो श में चेंज होगा, ये बनेगा रामस टीकते। ऐसा ही उद प्लस डयनम तय वर्ग के बाद तय वर्ग, तय वर्ग के बाद तय वर्ग तो स्तुतव संधि, स्तुतव संधि होगी तो तय वर्ग में चेंज होगा, तय वर्ग का दे है, दे को किस में चेंज होगा डे में, तो बन जाएगा उड्डयनम। अब ये भी दोनों तरफ से चेंज होता है, तो यहां भी देखिएगा पेश प्लस ता, ये संबंध देखो दोनों तरफ से स्तुतव संधि का है, चेंज तय वर्ग में ही होगा, तो ये बन जाएगा पेश ता। इसी प्रकार राज प्लस त्रम तो बना राज त्रम, क्योंकि ये तय और रह है तो तय का टय बन जाएगा, त्र है तो त्रम बन जाएगा,
तो ये अपना स्तुत संधि का एक नियम है, ये नियम है। अब इसी का भी एक अपवाद है, इसका भी अपवाद है। तो अपवाद जो हुआ ये है अपवाद कह रहा है तर मनक के बाद यदि शय आ जाता है तो नो चेंज, जैसे सन प्लस षष्ठ टेंथ वर्ग के बाद शय है तो यहां नो चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा सन षष्ठ।